world. We are AKS University, the university with difference. मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी, लगातार चोरी का सिलसिला बढ़ रहा है। प्रतिदिन होने लगी चोरी, इस मामले में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। लिहाजा जब से नवागत थाना प्रभारी डीआर शर्मा उशहरा से पदभार ग्रहण किए, तभी से उशहरा में चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा। इस मामले में सतना पुलिस अधीक्षक भी ध्यान देने को तैयार नहीं, लिहाजा ऐसे में उशहरा के दुकानदार काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में मोबाइल दुकान के संचालक ओम ताम्रकार ने बताया कि मैं सुबह 5:30 पर जब दुकान आया तो बगल से सर्व कटा हुआ था, लिहाजा दुकान खोलकर देखा तो करीब 1.5 लाख के लगभग मोबाइल चोरी हो गए। इस मामले में उचहरा पुलिस को सूचना दी, लिहाजा 3 घंटे बाद उचहरा पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में सतना पुलिस कप्तान भी कमला परवाही में नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते उचहरा में लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुछ समय के लिए उचहरा के दीपेंद्र सिंह तैयार हो गए। चोरी हो गई सर, बगल से 3 कार्ड की चोरी की गई है। और मेरा फोटोकॉपी प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, मेरी मोबाइल कटिंग मशीन और चार्जर उतने मेन हेड गले वाले हेडफोन ले गए, कवर ले गए, पूरे स्पीकर ले गए, मोबाइल स्टैंड, मतलब टोटल सामान में पूरा खा लिए, पूरे डब्बे खोल के सामान निकाल ले गए। कैसे जानकारी हुई आपको? मैं आज सफाई करना सुबह 5:30 नींद खुली तो मैं सामने भाई फ़ोन लगा, मुझे तो कहा ना कहो उस दिन, हाँ मैं भी आ गया, तुम भी आ जाओ, तो बस वो आए हैं, फ़ोन रखा हूँ तो वो खड़े हुए हैं, फिर फ़ोन लगे तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। अच्छा, ऐसे बोले पुलिस ने बता दिए? पुलिस क्या बोली? पुलिस आई तो 5:30 उनको तो करीब 2 घंटे हो गए, आ रहे हैं रास्ते में। उनके नहीं आने के बाद मैंने 7:30 पे 100 नंबर डाल किया, 100 नंबर फ़ोन गया, तब पांडे जी को आए थे तो वो आए हैं, गाड़ी में बैठे उन्होंने देखा सुना, वो भी चले गए, वो लिखित रिपोर्ट वहाँ लिखवाइए। क्या नाम? मेरा नाम ओम ताम्रकार है।